हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 9 and 10। एक्सरसाइज 4A हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4B के मेथड्स जो 5 स्टेप्स है वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं एंड अदर क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर चुके हैं जो कि ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस 2x प्लस y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। टू इक्वेशंस दी हैं आपको, आपको इन दोनों लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। देन शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस। आप जो इन आपके जो लाइंस हैं इनसे जो एरिया होता है उसे आप शेड करेंगे एंड देन एरिया फाइंड आउट करेंगे। मीन्स ये दोनों जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर तो आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा और आपको उस रीजन को शेड करना है जो बाउंडेड रीजन है ट्रायंगल का एंड देन आपको एरिया फाइंड आउट करना है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन सॉल्व करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस को ग्राफ पर। सो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप, 2x प्लस y इक्वल्स टू 6 के लिए x प्लस y इन टर्म ऑफ x, दैट मीन्स माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगी। राइट, यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6, दैट मीन्स 4 प्लस। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 6, दैट मीन्स माइनस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 2। नाउ x इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 4 पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 6, दैट मीन्स माइनस 2। हमने सभी पॉजिटिव वैल्यू पुट की है, एक वैल्यू हम नेगेटिव भी पुट कर लेते हैं, माइनस 2 पुट कर लेते हैं, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 6, दैट मीन्स प्लस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो आपके कुछ वैल्यूज़ आ गई, ये आपके चॉइस है, आप 2 वैल्यू फाइंड आउट करें, 4 करें, 6 करें, 8 करें, लेकिन हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर की है क्योंकि टेबल जितना हम वैल्यूज़ ज़्यादा फाइंड आउट कर लेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ज़्यादा आ जाएंगे, उससे आपको लाइन ड्रॉ करना बहुत ईजी रहता है, हेल्पफुल रहता है, बहुत जल्दी से आप एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि ग्राफ पर पॉइंट करने में आप जब लाइन ड्रॉ करते हैं आपसे कुछ टाइम मिस्टेक हो जाती है, इसलिए ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लीजिए, ग्राफ पेपर पर उन्हें प्लॉट कीजिए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ द टेबल। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, ड्रॉ द टेबल एक्स और y के लिए। 1 के लिए वैल्यू 4 आई है, 2 के लिए 2 आई है, 3 के लिए 0 आई है, 4 के लिए माइनस 2 आई है एंड माइनस 2 के लिए प्लस 10 आई है। राइट, इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। नाउ सेकेंड इक्वेशन, आपको सेकेंड इक्वेशन दी है 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू माइनस 1, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, इट मीन्स माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 2, सो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू माइनस 2, दैट मीन्स 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2, दैट मीन्स माइनस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। ये समझ आ गया, हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। राइट, अब हम क्या करेंगे, टेबल में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, x, y, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2। 1 के लिए जब वैल्यू देखते हैं 4 आती है आपकी, माइनस 1 के लिए 0 आ जाती है, 2 के लिए 6 एंड माइनस 2 के लिए आपकी
माइनस टू ही आ जाती है, राइट। इस तरीके से आपका वैल्यूज ड्रो हो जाती हैं। नाउ आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिल गए इस इक्वेशन के, 1, 4, माइनस 1, 0, 2, 6, माइनस 2, -2, एंड इस इक्वेशन के लिए 1, 4, 2, 2, 3, 0, 4, -2, एंड -2, 10। नाउ आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ये कंसेप्ट समझ आ गया है ना, सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है हमने इक्वेशन में। अब हम ग्राफ पेपर पर ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि आपका ट्रायंगल कैसे बन रहा है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो अब आप देख लीजिए ग्राफ पेपर से, दिस इज योर ग्राफ पेपर एंड वी नो वेरी वेल दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स पूरा 10 आपके छोटे छोटे 10 बॉक्सेस बने हुए हैं, जिससे मिलकर हम बोलते हैं 1 यूनिट होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉक्स को डिनोट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू को 2 यूनिट का एक बॉक्स मान लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि हमारा ग्राफ पेपर क्या होता है, इतना बड़ा नहीं होता, सो हम इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम -2 नेगेटिव, इस साइड में कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, -4, -6, -8, and -10, एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन -2, -4, -6, दिस इज -8, -10, and -12, राइट। नाउ आपको ये दो इक्वेशन दी है, 2x + y = 6 के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे एंड 2x - y + 2 = 0 के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे। ये आपके कोऑर्डिनेट वैल्यूज आई हैं, अब इनको हमें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। फर्स्ट आपके 2x + y = 6 के लिए कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आए हैं 1, 4, दैट मीन्स x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर 4। सो ये आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो जाएंगे, y एक्सिस पर 4 एंड x एक्सिस पर 1। 0, 2 की मिड पॉइंट वैल्यू ये है हमारी, सो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ जाएंगे 1, 4। नाउ 2, 2, दैट मीन्स x एक्सिस पर आपका 2 एंड y एक्सिस पर आपका 2, सो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो जाएंगे 2, 2। अगेन 3, 0, दैट मीन्स x एक्सिस पर आपका 3 होगा एंड y एक्सिस पर 0, सो ये इट मीन्स ये इट विल बी लाई ऑन x एक्सिस, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। नाउ x = 4 एंड y = -2 आया, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, -2। नाउ -2, 0, दैट मीन्स x एक्सिस पर वैल्यू आपकी -2 है एंड y की वैल्यू क्या आई है, आपकी 10 आई है, सो दिस विल बी -2, 10। नाउ जॉइन दीज ऑल द पॉइंट्स, हम लोग इनको क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, सो जॉइन कीजिए। ये हम इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं एंड हमें मालूम है अपना नेक्स्ट स्टेप कि ज्वाइन के बाद हम लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, राइट। नाउ दिस विल बी लाइन 2x + y = 6, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी जो इक्वेशन दी है 2x - y + 2 = 0 के लिए कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमारे, आए हैं 1, 4 आए हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स x एक्सिस पर आपकी 1 वैल्यू एंड y एक्सिस पर 4 वैल्यू। नाउ x एक्सिस पर -1 एंड y एक्सिस पर 0, दैट मीन्स जब हम यहाँ पर मूव करेंगे सो आपके पॉइंट्स ये हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, इसी एक्सिस पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर, सो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 0। नाउ 2, 6, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर आपका 6 एंड वाई एक्सिस पर आपकी वैल्यू आई है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 6। नाउ एक्स एक्सिस पर -2 एंड वाई एक्सिस पर भी आपकी वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, सो एक्स एक्सिस पर -2 एंड वाई एक्सिस पर भी -2, दैट मीन्स यहाँ पर लाई करेगा।
नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स, हम इन पॉइंट्स को जॉइन कर देते हैं। जॉइन दीज ऑल द पॉइंट्स, ना हमने पॉइंट्स को जॉइन कर दिया एंड अपनी लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, राइट। सो आपका पॉइंट आपने देखा किस पॉइंट पर कट करता है, मींस आप एक पॉइंट ये आपका 1.4 पर ये आपका पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। नाउ आपको क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। सो शेडेड रीजन कौन सा हो जाएगा, ये ट्रायंगल, ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है विद एक्स एक्सिस। आपसे क्वेश्चन में पूछा है जब आपके टू लाइंस है और एक्स एक्सिस है उससे बाउंडेड रीजन, दैट मीन्स ये टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो ये लाइन आपकी कौन सी आई है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो आ गई है। सो हमने इसे लिख लिया 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो आ गई, ये आपका बाउंडेड रीजन हो गया, पूरा शेडेड रीजन हो गया, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया के लिए आपको मालूम है कि ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ये ट्रायंगल है आपका, ये आपकी हाइट हो गई। सो यहाँ से x एक्सिस तक वैल्यू कितनी है बता सकते हैं आप, ये वैल्यू है हमारी 1 से लेके यहाँ तक कितनी है 4 है, तो दैट मीन्स ये टोटल यूनिट टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, दिस इज हाइट। ये आपकी बेस वैल्यू होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो ये आपका पूरा बेस हो गया, ये यूनिट यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है, दैट मीन्स इस ओरिजिन पॉइंट से ये डिस्टेंस आपकी 3 है एंड यहाँ से इधर लेफ्ट साइड में चल रहा है तो 1 डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस आपकी आ जाती है 4 यूनिट, ठीक है। सो हाइट हमारी आ गई 4 यूनिट एंड आपकी बेस की वैल्यू भी आ गई 4 यूनिट, क्लियर। नाउ सॉल्व करेंगे इसको। अब आपने ग्राफ पेपर से देख लिया है कि आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर आपका पॉइंट आता है -1.0, ये आपका आता है 3.0 एंड ये एरिया आता है आपका 1.4 एंड ये लाइन इस तरीके से आपकी एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है एंड ये एरिया बन जाता है आपका शेडेड रीजन। यही तो पूछा है, शेडेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस। सो इन दोनों लाइन से एंड और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट लाइन आपकी सॉल्व होगी, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ट्रायंगल की शेप है आपकी, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये आपका बेस हो जाता है एंड ये आपकी हाइट हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे आपके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है 1.4, जैसे कि मैंने अभी आपको ग्राफ में भी बताया है, तो ये आपके 1.4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस से, ये वाली वैल्यू ये आपकी 4 यूनिट है, दैट मीन्स हाइट आ जाती है आपकी 4। अब आपकी बेस वैल्यू कितनी है, बेस इस ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस के 3 डिस्टेंस है एंड लेफ्ट साइड में कितनी है 1 डिस्टेंस है। आप कहेंगे यहाँ पर तो -1 है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब एक बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती, लेफ्ट साइड में जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स वैल्यू होती है लेकिन डिस्टेंस वो सब पॉजिटिव ही होती हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा इस साइड मूव कर रहा है -4 पॉइंट तक, दैट मीन्स डिस्टेंस तो 4 होगी, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू -4 कहलाया जाएगा उसका, -4.0 लेकिन डिस्टेंस 4 होगी। सो ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 3, दैट मीन्स 3+1=4। सो वी कैन राइट हियर 1/2, 4 × 4, 2 × 4, दैट मीन्स 8 स्क्वायर यूनिट, हैंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन = 8 स्क्वायर यूनिट, क्लियर है आपको। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस x − y = 1 एंड 2x + y = 8। टू लाइंस दी हुई है, इन्हें आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, देन शेड द रीजन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस एंड द वाई एक्सिस, मीन्स ये आपका वाई एक्सिस है एंड इन दोनों लाइंस के साथ हम क्या करेंगे,
एक ट्रायंगल बन जाएगा, इसका शेडेड कर देंगे रीजन को एंड देन एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। सबसे पहले दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पर। आपको लाइन दी है x माइनस वाई कोस टू वन एंड 2x प्लस वाई कोस टू 8। फर्स्टली एक्सप्रेस, स्टेप वन क्या कहता है, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x। y इस साइड ले जाएंगे, 1 इस साइड आ जाएगा, दैट मीन्स x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से y आ जाएगा माइनस 2x प्लस 8। राइट, नाउ सेकेंड स्टेप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1। x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। नाउ स्टेप थर्ड, ड्रॉ दिस वैल्यू इन द टेबल x, y, 0, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ वैल्यू क्या आई, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 0 प्लस 8, दैट मीन्स 0 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 8, इट मीन्स माइनस 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 6। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 2 प्लस 8, दैट मीन्स माइनस 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 प्लस 8, माइनस 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 4 प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 8, दैट मीन्स 0। नाउ टेबल ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, x, y, 0, 1, 2, 3 एंड 4। वैल्यू क्या आ गई, 0, 6, 4, 2, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आपकी 8 आई है, राइट, 8, 6, 4, 2, 0। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई एंड ग्राफ्स प्लॉट हो गए। नाउ पॉइंट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट 0, -1, 1, 0, 2, 1, 3, 2 एंड 4, 3। यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ गए 0, 8, 1, 6, 2, 4, 3, 2 एंड 4, 0। अभी आपको कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गए दोनों लाइन के। अब हम इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, देन आगे का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का। सो आइए ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज़ योर ग्राफ एंड ऑन दिस ग्राफ दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, वी कैन से दिस y y डैश एंड दिस इज x x डैश, राइट। नाउ दिस इज़ योर ओरिजिन, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है ना। हम लोग क्या करेंगे, ईच बॉक्स, ये आपका 1-1 यूनिट का होता है, ठीक है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉक्स 2 यूनिट के इक्वल है, दैट मीन्स हम 2-2 के इक्वल मान लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। कभी भी बड़ी यूनिट हमें दी हुई होती है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं बॉक्स को, जिससे कि पूरे ग्राफ पेपर पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम यूनिट्स को एज्यूम कर लेते हैं बॉक्स को कि वन बॉक्स इक्वल्स टू इतना यूनिट्स। सो यहाँ पे ये इतना किसके इक्वल है, 2 यूनिट्स के। सो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, -2, -4, -6, -8, -10, -12, राइट। नाउ एट अपवर्ड डायरेक्शन 2, 4, 6, 8, 10 and 12। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन -2, -4, -6, -8, -10 and -12।
राइट। नाउ आपको प्लॉट करनी है टू लाइंस के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को। फर्स्ट एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन के लिए आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या दिए हुए, 0, -1। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर -1। सो 0, 2 के बीच में ये वैल्यू होगी। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर तो 0 एंड वाई एक्सिस पर वैल्यू -1, तो ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा। सो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0, -1। नाउ x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर 0, दैट मीन्स x एक्सिस पर 1 यहाँ पर एंड y एक्सिस पर 0। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये आपका x एक्सिस पर लाई करेगा। नाउ x एक्सिस पर 2 एंड y एक्सिस पर 1, इट मीन्स y एक्सिस पर यहाँ पे होगा मिड वैल्यू उसका। सो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, दैट विल बी 2, 1। राइट। नाउ 3, 2। सो 3, 2 के लिए हम यहाँ पर मूव करेंगे 3, दैट विल बी 3 एंड वाई एक्सिस पर 2, दैट मीन्स ये आपका 3, 2 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। नाउ एक्स एक्सिस पर 4 एंड वाई एक्सिस पर 3, इट मीन्स ये आपका पॉइंट हो जाएंगे 4, 3। सो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इन सभी पॉइंट्स को। ये पॉइंट्स हम ज्वाइन कर देते हैं एंड वेल लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। राइट। ये जैसे आपने पॉइंट ज्वाइन किए एंड लाइन को एक्सटेंड कर लिया, सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन 2x + y = 8 के लिए 0, 8, एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर 8, दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा 0, 8। एक्स एक्सिस पर 1 एंड वाई इक्वल्स टू 6, इट मीन्स पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा 1, 6। एक्स एक्सिस पर 2 एंड वाई एक्सिस पर 4, इट मीन्स पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा 2, 4। एक्स एक्सिस पर 3 एंड वाई एक्सिस पर 2, इट मीन्स पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। एक्स एक्सिस पर 3 एंड वाई एक्सिस पर 2, दैट मीन्स पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा 3, 2। नाउ एक्स एक्सिस पर 4 एंड वाई एक्सिस पर 0, इट मीन्स पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स, हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को जॉइन कर देते हैं। ठीक है, आपने लाइन को एक्सटेंड कर दिया इसके बाद, तो इससे आपकी क्या आ गई, टू लाइंस आ गई जो कि इंटरसेक्ट करती है। अब आप देख रहे हैं ये एक रीज़न आ गया, ये टू लाइंस हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है एक रीज़न जो टू लाइंस एंड वाई एक्सिस के साथ हो। सो वो रीज़न कौन सा हो गया, ये टू लाइंस है एंड वाई एक्सिस के साथ, ये रीज़न हो गया हमारा, ये बाउंडेड रीज़न हो गया। ठीक है, ये पूरा बाउंडेड रीज़न मीन्स एक ट्रायंगल बन गया। सो ये हमारा शेडेड कर देंगे हम इस रीज़न को, एंड इस रीज़न का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको ये हाइट चाहिए एंड ये बेस वैल्यू चाहिए। ये हाइट कितनी होगी आपकी, इस एक्सिस से इस पॉइंट तक की, ट्रायंगल के इस पॉइंट तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए ये हो जाएगी हमारी 3। दैट मीन्स हाइट की वैल्यू आपकी 3 आ गई। एंड ये जो बेस वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ओरिजिन से इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 8 है। एंड ओरिजिन से इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 + 1, बेस इक्वल्स टू हो जाएगा 8 + 1 = 9 यूनिट। ठीक है, आपको मालूम है ना कि हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में होती है, तो ये 1 डिस्टेंस ही हो गई, 8 डिस्टेंस ही हो गई, दैट मीन्स 8 + 1 = 9। ठीक है, अब एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। एज वी सॉल्व इन द ग्राफ पेपर, आपने ग्राफ पेपर में अभी स्टडी किया है कि आपका इस तरीके से ट्रायंगल आ गया है जिसमें ये आपकी डिस्टेंस कितनी बताई है हमने, टोटल 9 यूनिट, एंड हाइट कितनी बताई है हमने, 3 यूनिट। सो यहाँ से वाई एक्सिस से इस पॉइंट्स के ट्रायंगल के जो पॉइंट है, टॉप पॉइंट, डिस्टेंस कितनी है, 3 है। दैट मीन्स हाइट कितनी है, 3 है। एंड शेड अभी हमने पढ़ा है कि इस ओरिजिन से वैल्यू कितनी है, 8 है, एंड ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 9। दैट मीन्स ये आपकी बेस की वैल्यू आ गई 9। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन = 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 1/2, बेस की वैल्यू 9, हाइट की वैल्यू 3, दैट मीन्स 9 = 12।
27 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करेंगे 13.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, 13.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, ये आपका शेडेड रीजन आ गया एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपने कैलकुलेट कर लिया, है ना। सो इजी, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आप सभी क्वेश्चन ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड स्पेशल फर्स्ट वीडियो जिसमें सभी स्टेप्स हैं फॉलो ये किए हुए हैं हम लोगों ने, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है एंड ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में भी फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, इसमें मुझे समझ आ गया है। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।